हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास सिक्स के कुछ एमसीक्यूज। ये वीडियो जो है पिछली दो वीडियोस की कंटिन्यूशन में है, पार्ट थ्री है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 31, वो है विच इज़ द राइट फॉर्म ऑफ इंटीजर 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। सो सही से आपको लिखना है किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे इस बात को। 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इज दिस, उससे 20 डिग्री ऊपर प्लस 20 डिग्रीज। तो आप ऑब्वियसली, मैंने अभी पिछले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जब भी हम 0 से अबव, इंक्रीज या कुछ ऐसा बात करते हैं जो पॉजिटिव में है, तो आपको नंबर पॉजिटिव में ही लिखना है। बिलो की बात करते हैं, बिलो, डिक्रीज, डिक्लाइन, इस तरह के वर्ड्स अगर यूज़ हुए हैं तो आप नेगेटिव में बात करोगे, ठीक है। तो पॉजिटिव 20 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, विच इज़ पार्ट सी। नेक्स्ट इज सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज, दो नेगेटिव नंबर हैं उनका जो सम है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा ही ध्यान से समझना इस चीज़ को। नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ज़रूर होता है, लेकिन वो बच्चे सोचते हैं कि आंसर पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं होता है। दो नेगेटिव नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को हम प्लस ज़रूर करेंगे, लेकिन साइन आता है जो बड़ा होता है, ठीक है। अब दोनों ही नेगेटिव हैं तो कोई भी बड़ा हो, साइन तो नेगेटिव ही आएगा ना आंसर में। एग्जाम्पल के तौर पे देखो मैं जो बोल रही हूँ, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ -4 -5 का, ठीक है। दो नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों को ज़रा सॉल्व करो, माइनस माइनस होता है प्लस 9, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का, तो बड़ा ये है। अब कोई भी नंबर यहाँ ले लो, 4 और 5 की जगह कुछ भी ले लो, आपके पास आंसर में हमेशा बड़े, कोई ना कोई तो बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़े वाला हमेशा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव नंबर है, यही क्वेश्चन बोल रहा है, टू नेगेटिव नंबर्स, तो हमेशा जो आंसर है वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैं पॉजिटिव आंसर आएगा, ऐसा नहीं होता। आपको ये पूछ रहा है आंसर क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। सो आई होप ये बात क्लियर होगी, आंसर इसका है डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, ऑपोजिट ऑफ 7 इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं। 7 का ऑपोजिट है -7, पार्ट सी। वैल्यू ऑफ -6 ± 15 + 10 इज, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। -6 ± 15 + 10, इसकी वैल्यू बताओ। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, -6 ± होता है -15 + 10, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। दो माइनस दिख रहे हैं आपको, दोनों को माइनस को प्लस भी कर सकते हो, माइनस माइनस मतलब सॉल्व करना है, एक एक करके आप सॉल्व कर लो। पहले या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, या पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो आंसर सेम आएगा, बस अपना तरीका और कैलकुलेशन ठीक रखना है, ठीक है। सो ऐड करना है, सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, -6 को एज इट इज़ लिख दो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, दोनों को माइनस कर दो 5, साइन आएगा आपका किसका, जो बड़ा नंबर है, तो ये माइनस का साइन आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में करो, माइनस माइनस प्लस होता है 11, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, तो माइनस, -11 इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट डैश इज इट्स वैल्यू। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, फादर अ नंबर, फादर मीन्स दूर, एक नंबर है 0 से, ऑन द राइट, राइट में 0 के राइट देखो क्या होगा, 0 का राइट ये साइड होगा, फादर मतलब कहीं दूर एक नंबर है 0 से राइट में, डैश इज इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शंस में ही पता चलेगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ आ सकता है, बट पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इक्वल इज इट्स वैल्यू, कुछ नहीं बना, इक्वल क्या हो, क्या मतलब, अगर मैं यहाँ से 0 से राइट में जा रही हूँ, यहाँ पे 1 आएगा 2 आएगा, तो 1 और 0 की, 2 और 0 की कोई वैल्यू इक्वल तो है नहीं, तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है। लार्जर, 0 से लार्जर है बिल्कुल, ये हो सकता है, देखो 1 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है, 3 भी 0 से बड़ा होगा। स्मॉलर, तो 0 से स्मॉल तो नहीं होगा, स्मॉलर किधर होते हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट होते हैं। और नन ऑफ दीज, मेरे ख्याल से नन ऑफ दीज का भी कोई काम नहीं है, लार्जर इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि 0 से राइट में हमेशा सारे नंबर 0 से बड़े होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, अ स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 है, नंबर लाइन में देख लो, 1
से छोटा अगर मैं बात करूँ तो जीरो आ जाता है, विच इज़ वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव की बात हो रही है और इसके बाद सारे माइनस में हो जाते हैं, है ना, इस साइड जितना जाएंगे सब माइनस हो जाएगा। तो वन जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए इंटू सी ब्रैकेट बी माइनस सी इज 8, फॉर ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 10 एंड सी इक्वल्स टू इतना, देन ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी इज इक्वल टू, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई हैं ए बी सी की, आपको बोल बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू देखो 2 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 6 है। वैल्यूज पुट करो ए बी सी की जगह और आंसर निकालो। तो देखो क्या दिया हुआ है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, राइट। ए क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय बी कितना है 10, माइनस बीच में ए कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय सी कितना है 6। 2 इंटू 10 कितना होगा 20, माइनस बीच में रहेगा। सबसे पहले अच्छा मैं ये बता दूं, पहले मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ, बच्चे माइनस करना शुरू कर देते हैं, आपको हर जगह बॉड मास रूल को फॉलो करना है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन करो, फिर डिवाइड है तो डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट तो नहीं दिखा ना डिवीजन दिखा, मुझे उसके बाद दिखा मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने सबसे पहले दो नंबर्स को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। माइनस आप बाद में करोगे, सब्ट्रैक्शन एकदम एंड में आ रहा, देखो राइट। तो 2 6 इज 12, 20 माइनस 12 कितना होगा 8। 8 इज योर आंसर विच इज पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन अ वर्टिकल नंबर लाइन वेयर ए वेयर आर द पॉजिटिव नंबर प्लेस्ड, ओके। एक वर्टिकल नंबर लाइन है, वर्टिकल नंबर लाइन है, मैंने फिर हॉरिजॉन्टल बना दिया, नंबर लाइन कुछ ऐसे है, ठीक है। वर्टिकल आपसे पूछ रहा है वेयर आर द पॉजिटिव नंबर्स प्लेस्ड। तो जीरो हमेशा सेंटर में होगा, जीरो से ऊपर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 4 ऊपर ऊपर जाते रहोगे पॉजिटिव होता रहेगा, नीचे नीचे आते रहोगे नेगेटिव होता रहेगा, ठीक है। सो वो बोल रहा है पॉजिटिव नंबर कहाँ प्लेस होंगे, अबव जीरो, जीरो से ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव होंगे। तो अबव जीरो सी पार्ट इज योर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स द साइन ऑफ आंसर डिपेंड अपॉन, जब भी हम दो इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं आंसर का जो साइन होगा वो किस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बार बार बोला है जब भी हम कभी साइन प्लस या माइनस करते हैं तो जो भी करना है प्लस माइनस करके हम ये देखते हैं कि दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है और उसी का साइन आंसर में लगाते हैं। सो द नंबर विच हैज़ ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, उसका साइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ऑपोजिट ऑफ माइनस फोर इज, माइनस फोर का ऑपोजिट होगा 4, पॉजिटिव 4, तो सी पार्ट करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ माइनस सिक्स माइनस माइनस फाइव, माइनस सिक्स माइनस माइनस फाइव, फिर से दो डंडों के बीच में कोई नंबर दिखा उसको, इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करोगे। तो माइनस सिक्स माइनस सिर्फ फाइव लिखो, ध्यान से समझना, इतने सारे माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस सिक्स ये माइनस है, ये रहा यहाँ, इस डंडों के बीच में माइनस फाइव है तो सिर्फ उसका माइनस, ये माइनस गायब करोगे, ठीक है। ये माइनस पॉजिटिव होगा तो फाइव लिख दिया। अब आप नॉर्मली अपना क्वेश्चन को करो विच इज़, अच्छा सिक्स में भी डंडे हैं यार, मैं भूल गई, ये भी डंडों में है, राइट। तो यहाँ पे भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करेंगे, माइनस सिक्स की जगह सिक्स, ये वाला माइनस इधर आएगा, माइनस फाइव की जगह फाइव, तो सिक्स माइनस फाइव इज़ वन विच इज़ सी पार्ट, जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, वॉट इज़ द इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉकिंग 3 किलोमीटर साउथ। देखो भाई, मैंने आपको बताया आप कहीं पे भी बैठे हो, आप ईस्ट इधर बनाओगे वेस्ट इधर, जब डायरेक्शन की बात हो नॉर्थ एंड साउथ हमेशा यही डायरेक्शन रखना, राइट में ईस्ट बनाना, लेफ्ट में वेस्ट, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, ठीक है। सो अब वो बोल रहा है हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हम 3 किलोमीटर साउथ जा रहे हैं। तो ये सेंटर पॉइंट है, 3 किलोमीटर साउथ यानी कि डायरेक्शन ये है 3 किलोमीटर साउथ। आप मान लो आप जीरो पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहे हो तो आप कैसे इसको डिनोट करते हो, नेगेटिव में ना, माइनस 3
3 किलोमीटर्स, तो ये होगा -3 किलोमीटर्स। अब यहीं पे काम आता है कि अगर ऐसे डायरेक्शंस आप नहीं बनाते, मान लो साउथ को ऊपर बनाते, साइड में बनाते, तो आपको पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिव साइन लगाना है कि नेगेटिव। तो ध्यान रखना, आपको डायरेक्शंस इसी तरह बनाने हैं। आगे तक जितने भी बड़ी क्लास में डायरेक्शंस के भी क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपको डायरेक्शन का थोड़ा सेंस समझ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूज होने के चांसेस हैं। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज़ कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ देख लो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैथ्स में मज़ा आएगा जब वो समझ आएगी, नहीं तो बहुत बर्डन लगती रहेगी मैथ्स। तो मैंने जितना ईजी तरीके से हो सकता है वीडियोज़ को बनाया है, जिससे कि जिसको बिल्कुल समझ नहीं आता उसको भी मैथ्स अच्छी लगने लगे। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जाके देखो, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक की मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाई हुई हैं। सो अपना लेवल चूज़ करो एंड स्टार्ट लर्निंग मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।